वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो या टुडे इज 13th ऑफ अक्टूबर, यानी कि आज है दुर्गा पूजा की अष्टमी एंड ऑल दैट। और अभी मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ सुबह सुबह, तो यू कैन सी अभी कितना अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह हुआ हुआ है। लेट मी शो यू गाइस। एंड एज यूजुअल मेरे को बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पसंद है, सो आई एम बैक टू होम। तो या ऑल दीज जो भी हैं यहाँ पे अभी सारे खिले हुए, काफ़ी सारे हैं एक्चुअली। अभी तो सबको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, लाइक सारे एक जगह पे मर्ज आउट थे यहाँ पे। इफ यू चेक माय इंस्टाग्राम आपको पता चल जाएगा कि वो सारे पहले एक साथ थे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम्स पे रेगुलर स्टोरी वगैरह डालते रहते हो। सो या यू मस्ट नो समथिंग अबाउट दैट अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो। तो अभी मैं छत पे थी एंड अभी मेरा फेस आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा बिकॉज धूप के लाइट तो इधर ही है। सो या जस्ट अभी मैं अंदर घुसी हूँ एंड आज मेरे को नहीं, एक्चुअली हम सभी को जमशेदपुर जाना है क्योंकि मेरे मामा जी का रोका होने वाला है। सो या आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी घर का माहौल क्या है, सब लोग कितने बिजी हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सो या लेट्स गो एंड सी। और पहले यहाँ पर दादी माँ बैठी हुई हैं एंड पापा हमारे कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड ही इज़ टॉकिंग टू दादी माँ, कुछ पूछ रहे हैं। और ये है हमारा आंगन, तो अभी नीचे हम जाएंगे और जो भी डेकोरेशन वगैरह जो भी होता है मिठाई एंड फल वगैरह का वो सारा होगा नीचे। और ये मेरा प्लेस जहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। हमारे नानू जी हाय, ही इज़ बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड। खैर इनको पता नहीं है दैट आई एम व्लॉगिंग। और बैकग्राउंड के म्यूजिक्स को थोड़ा इग्नोर कर देना, सॉरी। सब लोग अपने अपने काम में, उधर किचन है एंड दे ऑल आर बिजी इन देयर वर्क। सो जैसा मैंने आप सभी को बताया था, हम सभी अभी आ चुके हैं आंगन में नीचे काम करने के लिए। तो अभी पैकिंग का सारा काम हो रहा है, सॉरी मैं क्या क्या बोल रही हूँ। एंड सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दीदी और सांझ भी मखाना वगैरह को रख रहे हैं और प्राची और मामा जी लड्डूज वगैरह को पैक कर रहे हैं। तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं एंड मेरी लाइफ सबसे अच्छी है। अभी तो मैं फ़िलहाल व्लॉगिंग कर रही हूँ लेकिन मेरे को डांट पड़ने वाली है। सो या मिलते हैं थोड़ा देर में आप लोगों से पैकिंग वगैरह करने के बाद, क्योंकि मेरे को भी फ़िलहाल काम करने जाना है। सी यू गाइस सून, वेरी सून एक्चुअली। ओके नाउ लेट मी शो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी पैकिंग वगैरह का काम हो रहा है, तो यहाँ पे अभी एक मखाना हो चुका है और भी बाकी जो भी चीज़ें कुछ कुछ हो चुकी हैं, कुछ कुछ अभी काम हो रहा है। सो या सी यू सून। और एक्चुअली हमारी बस भी आ रही है, सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती है। फिलहाल अभी तो नहीं है बट लेट्स सी कैसा होता है, कब तक हमारी बस अंदर आ पाती है और हमें कितना वेट करना पड़ता है उसके लिए। और बस के आगे जो आपको इंसान दिख रहा है वाइट और ब्लैक चेक टी शर्ट में, वो है मेरे भैया जी। तो अभी वो गाड़ी को राह दिखाते हुए अंदर की तरफ ला रहे हैं। सो अभी मैंने आप सभी को दिखाया कि बस आ चुकी है। सो ये सारे सामान है जो भी जाने वाले हैं, अभी सारे सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं और बस भी आ चुकी है प्रोबेबली। तो अभी बस पे ये सारा सामान होगा जाएगा और इस पर नंबरिंग हो रही है क्योंकि सामान इधर उधर ना हो, ऐसे नहीं होगा लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की ख्वाहिश मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। एक्चुअली मैं अब ऊपर आ चुकी हूँ बिकॉज नीचे सामान वगैरह ऊपर जा रहा है, सो वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं था। सो आई एम बैक एंड मेरे को सही में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, सो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अगर टाइम देखो तो मैं अभी दो बज रहे, कैन यू इवन सी, दो तीन बज एक दो बज रहे हैं अभी और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। कोई नहीं, अभी सबका सेम सिचुएशन है बिकॉज आज पूजा एंड ऑल दैट था और हमें निकलना है। सो बैकग्राउंड को इग्नोर करना, सी यू गाइस। सो अभी निकलते वक्त इतनी भीड़ थी कि मेरे को अंदर से धक धक वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं शूट करूं या ना करूं, मेरे को सब यहां से उठा के फेंकने वाले हैं लिटरली। बट या अब हम लोग बस में हैं और मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, सो आई एम शूटिंग राइट नाउ क्योंकि अब मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये हुर्रे। सो हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा में कैसे कैसे चीज़ें और लाइक क्या मार्केट का सीन होता है। देखिए होप यू गाइस आर अवेयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स। और ये रही हमारी मम्मा जी और बाकी के जन भी हैं, भैया मामा एंड ऑल दैट।
अभी सब इंस्टाग्राम बूमरैंग बना रहे हैं स्टोरी के लिए अपने अपने। हाँ तो अभी बज चुके हैं 3 और अभी हम रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं समवेयर एंड मेरे को ठंड लग रही है। सो आई एम हैविंग अ मास्क दुपट्टा। यू कैन सी 3:12 हो रहे हैं अभी और अभी तक हम लोग सोए नहीं। कोई नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा। मॉर्निंग तो सुबह हो चुकी है एंड अभी बस रुकी है। सो हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ देर में ही पहुंचने वाले हैं और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लग रही है कि बारिश होगी मोस्ट प्रॉब्ली एंड या बारिश हो गई। वाओ रे सो यार फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और लेट मी शो यू। देखिए बारिश हो रही है तो सब लोग अभी बड़ी बड़ी से उतर रहे हैं नानी और ये सारे सामान वगैरह जो उतरे हैं। बस खाली हो चुकी है एंड फाइनली भी सो यही वो जगह है जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है रो का सेरेमनी। और ये सारे इतने सारे सामान सबके जो भी आए हैं हमारे पटना से हम सारे के साथ। और अभी सारे लोग काफ़ी थके हुए हैं तो नाश्ता करेंगे फ्रेश होकर के एंड विल स्लीप। सो मिलते हैं शाम को अगर हुआ तो कहीं घूमने चलेंगे हम सारे। सॉरी गाइस मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला बीच की चीज़ें शूट करने के लिए। एक्चुअली आई जस्ट मिस। और अभी शाम हो चुकी है सो हम सारे जा रहे हैं जुबली पार्क। एज आई सेड कि अगर टाइम हुआ तो देन वी विल गो समवेयर इन जमशेदपुर। तो अभी हम लोग जुबली पार्क जा रहे हैं। सो वी आर एट जुबली पार्क राइट नाउ और यहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग हैं सो या अभी हम लोग घूमते और देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। बट कुछ लोग हैं मेरे साथ जो कि पहले से यहाँ पे आए हुए हैं जैसे कि रिया दी। सो एक्चुअली कोविड वगैरह को लेकर के यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस हो नहीं रही है। लाइट्स वगैरह भी काफ़ी कम जल रहे हैं और जो भी यहाँ पे लाइट फाउंटेन शोज वगैरह होते सारे बंद है। तो अभी तो हम लेक साइड के पोर्शंस में हैं फिर मूविंग ऑन हम दूसरे साइड भी जाएंगे। तो या पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या है एंड यहाँ दिख रहा है मेरे को लेज़र शो जो कि बंद है, ज़ू जो कि बंद है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद है ड्यू टू कोविड। तो ये काफ़ी बड़ी एरिया है यहाँ पे और हम बस चलते जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ कौन कौन है। नहीं नहीं उतारेगा मामा भी तो सारे लोग एक बार हाई कर दो। कितने लोग हो यहाँ पे सो इतने सारे लोग थे मेरे साथ एक्चुअली हैं अभी और हम अभी 2 कार से आए बिकॉज एक में आना सारे लोगों के लिए मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा। सो हम रोड क्रॉस करके जुबली पार्क के अपोजिट साइड जा रहे हैं। एक्चुअली वो भी जुबली पार्क का ही एरिया है बट दोनों साइड के पोर्शन में जाना था। पहले हम लेक साइड में गए थे और अभी हम अपोजिट साइड में। ये है रोज़ गार्डन और प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सारे पौधे सूख चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे को जो भी दिख रहे हैं। सो यार बुरा हाल है यहाँ पे भी बट यार चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी जब सब कुछ प्रॉपर ओपनिंग दोबारा से होगी। और फाउंटेंस वगैरह भी बंद है। ये सारा एरिया है जहाँ पे लाइट फाउंटेंस वगैरह होते थे। तो अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आगे तो अभी बढ़ ही रहे हैं। मे बी अगर इसके बाद हो सके तो हम सारे जाएंगे सर दोराबजी पार्क जिसमें एक डायमंड वगैरह है स्टील की एंड देयर इज समथिंग लाइट वगैरह है वहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है क्या है नहीं है। आई विल बी देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिलहाल मैं चल रही हूँ और सब मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। सो तो मेरे से भी आगे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे जमशेद जी टाटा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एंड यहाँ पे उनकी स्टैचू है। तो अभी यहाँ पे होगा फोटो सेशन फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड वी विल बी देयर जहाँ मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं वहाँ पर डायरेक्टली। सो यार जहाँ हमें आना था हम आ चुके हैं और लेट मी शो यू गाइस द एंट्रेंस।
सर दोराब जी टाटा समथिंग। ओ शिट, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही क्राउड है यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी सब चीज़ डायमंड के कटिंग में ही है। तो ये काफ़ी प्यारा, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एंड लेट मी शो यू गाइस द क्लोजअप व्यू। सो अगर आप पास आओगे तो ये ऐसा दिख रहा है, और अगर आप इसके अंदर इंटर करके देखते हो देन इट विल लुक लाइक दिस। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ड्यू टू दिस लाइट। ये लाइट नहीं होगी तो ये थोड़ा कम लगेगा आई गेस, अगर आप दिन में आते हो तो, बट रात को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो या दिस इज़ इट। सो मैं अब व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बैक टू होम। सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।